हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीम केक। है तो ये सिंपल सा क्रीम केक, बट इस गर्मी में और रेनी वेदर में आप ये क्रीम केक किस तरह से बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। विप क्रीम को बीट करके किस तरह से आपने इसकी कवरिंग वगैरह करनी है, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो बनाना। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक, जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक 7 इंच का केक लिया है, स्पंज केक। इसकी रेसिपी मेरे चैनल में बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ मैं और बहुत सारे वीडियोस में हैं। और चेरी सॉस चाहिए साथ में, और हमें चाहिए विपिंग क्रीम। अच्छा, ये वाली जो विपिंग क्रीम है ये स्वीट विपिंग क्रीम है, इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 कप अंदाजन ले लेती हूँ विपिंग क्रीम। और आप ये देखिए, विपिंग क्रीम के अंदर क्रिस्टल्स बने हुए हैं, जमी हुई है, फुल जमी हुई नहीं है, बट इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बने हुए हैं। तो हमने बिल्कुल चिल विप क्रीम निकालनी है। जब हम उसको निकालेंगे और उसको थोड़ा सा स्पैचुला चलाएंगे तो वो बिल्कुल ठंडी होगी, बट उसके बिल्कुल बारीक बारीक से क्रिस्टल्स भी साथ होंगे। बस वही टाइम है जिस टाइम आपने क्रीम को बीट करना है। क्रीम को बीट करने में आपको कम से कम भी 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी मशीन की पावर पे, ठीक है। सम टाइम 3 मिनट्स में भी मेरी क्रीम बहुत अच्छी सी बीट हो जाती है, और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा क्रीम है तो फिर वो ज़्यादा टाइम लेगी बीट होने में। आपने जो है ना क्रीम बहुत अच्छी, जितनी थिक आप बीट कर सकें आपने उतनी थिक बीट करनी है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख कर काम करेंगे तो आपकी क्रीम थोड़ी सॉफ्ट होगी, इसलिए आपने थिक चेक कर थिक बीट करनी। क्रीम बीट हो गई है, अब हम जो है ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं 2 पाउंड का ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 7 इंच का स्पंज लिया है। इसको हम 3 लेयर्स में कट करेंगे, और नीचे की बेस यहाँ इसमें मैंने यूज़ की है 10 इंच की। 3 लेयर्स कर रही हूँ मैं इसमें, और बहुत ज़्यादा भी मैंने इसमें जो है ना क्रीम जो है लेयर्स नहीं कर रही, बहुत पतली लेयर्स अच्छी नहीं लगती असल में, थोड़ी सी थिक लेयर अच्छी लगती है केक की। तो 3 लेयर्स इसकी इनफ होगी, और साथ में हल्का सा हम इसमें यूज़ करेंगे चेरी सॉस, और हम इसको सोक करेंगे शुगर सिरप से। शुगर सिरप का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन इसलिए क्योंकि मैंने इसमें हल्का सा वनीला एसेंस ऐड किया था। अगर आप बेकरी स्टाइल में ब्लैक फॉरेस्ट बनाना चाहें तो फिर आप इसमें जो कॉकटेल आता है फ्रूट्स वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स और जो भी चाहें आप इसमें फिर आप यूज़ कर सकते हैं। बट ओरिजिनल जो ब्लैक फॉरेस्ट की रेसिपी है उसमें चेरी सॉस यूज़ होता है। और अगर आपको कॉकटेल वाली रेसिपी जो है देखनी है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, फुल रेसिपी है जिसमें मैंने स्पंज बनाकर और किस तरह से ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं वो सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। अच्छा, सोक हमने अच्छे से करना है, बहुत ज़्यादा ओवर सोक नहीं करना और बहुत ज़्यादा कम भी सोक नहीं करना, इतना करना है कि अच्छे से जो ड्राइनेस है वो हमारी कवर अप हो जाए, ठीक है। चेरी सॉस अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड करें, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करते हैं क्योंकि चेरी सॉस थोड़ा सा सॉर होता है, हल्का खट्टा मीठा होता है इस वजह से। अच्छा, केक बनाते हुए केक का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ओवर वेट ना हो जाए केक या लेस ना हो जाए। आप जो है क्रीम से केक के वेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर कम ज़्यादा करना पड़े तो आप क्रीम से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा वेट केक का वेट आ रहा था कम 750 ग्राम्स, तो इसमें अब हम 250 ग्राम्स क्रीम लगा देंगे तो हमारा ये आराम से 200 ग्राम्स लगा देंगे तो आराम से ये 950 ग्राम्स यानी कि 2 पाउंड का केक हो जाएगा। सबसे पहले हम जो है क्रीम से कवर करके इसके क्रम कोट कर देते हैं, ताकि जो है जब हम फिनिशिंग वाला क्रीम यूज़ करें फाइनल क्रीम करें तो वो उसमें क्रम ना आए और केक का लुक ख़राब ना हो। तो हमने क्रम कोट कर दिया, और जो बची थी क्रीम उसको हमने हल्का सा लेमन ड्रॉप एक कलर ऐड करके लेमन कलर बना दिया, बिल्कुल हल्का सा लाइट लेमन कलर बनाना है, ठीक है। अब हम लेमन कलर की जो क्रीम है इसको चारों तरफ केक के अप्लाई कर देंगे, और बहुत ही मैं थिन जो है क्रीम की लेयर रखी है, बहुत ज़्यादा जो है मोटी क्रीम की लेयर नहीं रखी है। इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आप कितनी मोटी क्रीम की लेयर रखना चाहते हैं। अगर आपको लगे कि क्रीम जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है तो क्रीम को आप थोड़ी देर फ्रीज़र पे रख दीजिएगा, क्योंकि इतनी देर बाहर रखने की वजह से क्रीम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने लग जाती है और वो फिर आपके केक को स्लिपी कर देती है और हैंडल करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें केक को 1/2 घंटे के लिए, और क्रीम को भी आप 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि दोनों चीज़ें सेट हो जाएं, देन आप फिर उसके ऊपर की फ्रेश क्रीम की कवरिंग कर दें, ठीक है। अच्छा, अब हम इस केक के ऊपर जो है फ्लावर्स यूज़ करने वाले हैं आर्टिफिशियल, और मैं ले रही हूँ रेड रोज़ और बेबी ब्रीथ आर्टिफिशियल में, ठीक है।
यहाँ पे मैंने छोटा वाला रेड रोज़ लिया है, हैंड पे एनिवर्सरी का जो है नॉन एडेबल टॉपर है, और थोड़े बहुत पर्ल्स लिए हैं हमने। तो हम थोड़े सबसे पहले फ्लावर्स के अरेंजमेंट कर देते हैं। ऊपर जो है तीन हमने लगा दिए रेड रोज़, और साइड पे थोड़े थोड़े से यहाँ इसके लीव्स और बेबी ब्रीथ लगा दी। आजकल ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हैं बहुत इजीली अवेलेबल हैं। वैसे तो ये जो फ्लावर्स शॉप होती है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप, वहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, और फेसबुक पे ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं ये आजकल। तो इसका बंच भी आराम से आपको 250 तक का मिल जाता है। ये वाला जो रेड रोज़ का बंच है, मैंने 250 का लिया था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़े स्मॉल साइज़ में है, तो स्मॉल साइज़ के रोज़ जो अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा अगर बड़ा केक होता है आपका, तो फिर आप बड़े रोज़ेस इस्तेमाल कर लें। और साइड पे हमने जगह इसलिए रखी क्योंकि मैंने जो है कस्टमाइज अपने जो है क्लाइंट की एक वर्डिंग्स लिखनी थी इधर, जो कि मैं लिख रही हूँ, तो इसके लिए हमें साइड पे स्पेस चाहिए था। और अगर आपको इसमें ना लिखना हो कुछ, तो आप यहाँ पे टॉपर भी लगा सकते हैं हैप्पी एनिवर्सरी का, और साथ में हम थोड़े बहुत पर्ल्स ऐड कर देते हैं। तो सिंपल में बहुत खूबसूरत सा केक है। इस गर्मी के वेदर में किस तरह से आपने क्रीम केक बनाना है, ये मैंने आपको बताया। और फिर भी कोई क्वेश्चन आपको करना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हो समटाइम मिस हो जाती हैं कोई बातें। अच्छा, अब हम इसके एजेस में जो है ना साइड पे ग्लिटर डस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने डस्ट लेना है, हल्का सा ऑयल में मिक्स करना है, एंड देन ब्रश की हेल्प से इसकी जो एजेस हैं उसमें इस तरह से गोल्डन डस्ट आपने लगाना है। इसे बड़े खूबसूरत जो आजकल एक जो ट्रेंडी लुक है क्रीम, किस तरह का लुक वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन डस्ट यूज़ की थी ऑयल के साथ। बहुत हल्के हाथ से लगाना होता है क्रीम के ऊपर, आप फॉन्डेंट की तरह रब नहीं कर सकते, वरना क्रीम जो है हट जाती है इस वजह से। अच्छा, तो दैट्स इट, केक हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप क्या मज़ीद सीखना चाहते हैं वो भी, हाँ यार, बेंटू केक की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, वो भी इंशाल्लाह लेकर आऊँगी सून। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।